सत श्री अकाल जी एंड हैलो टू एवरी वन। वेल सपटेंबर इनटेक यूके का अराउंड द कॉर्नर हैगा। एप्लीकेशनस जानिया शुरू हो चुकी ने ते कैश अगले दो महीनों शुरू हो जाएंगे आने। पर उस तो पहला जेड़ा कंट्री तो 99.9% सक्सैस रेट दिंदा है वीज़ा रिजेक्शन आन दे किहड़े टॉप 5 रीज़न बनते हैं वो तुहाडे लई जानने जरूरी है। जिहड़ा उन्हां दा रिपोर्ट आया यूके वी आई दा लास्ट मंथ, इट क्लीयरली स्टेटेड दे हैव गिवन 92% वीज़ाज इन इंडिया पिछले इनटेक दे विच, 8% वीज़ा फिर भी रिजेक्ट होए। तो उन्हां दे टॉप 5 रीजनस किहड़े ने? पहला इज़ योर फाइनैंसिस, सब तो हॉट टॉपिक, सब तो पावरफुल रीज़न जिहड़ा तुहाडा यूके जाण दा सपना अगले 10 सालां वास्ते बैन करवा सकता है। जिहड़े फाइनैंसिस तुसीं दिखाए ने जे ओह वेरीफाई नहीं हुंदे एंड ओह फ्रॉड पाए जांदे ने, दोनों च फर्क है। जे वेरीफाई नहीं हुंदे ओह तुहाडे ते 327 इलाके नहीं दिंदे, दे गिव यू ए चांस, वी ट्राइड वी कुडंट वेरीफाई डेट, तां तुसीं अगली एप्लीकेशन दे विच द्वारा अपने पूरे कागज़ ना लाओ, असी तुहानू वीज़ा देने लई तैयार हो जांदे ने। दूसरे एपीसोड दे विच तुहाडे फाइनैंसिस गए तो उन्होंने फड़ लिए फ्रॉड है, तुहाडा बैन लग जांदा 10 सालों का। हुण मेरा छोटा जिहा सवाल है, जब पता एक सिंपल प्रोसैस है 28 दिन पुराना फंड दिखाना है तो वह बैन वाले पासे जाना ही क्यों है? फाइनैंसिस का वेरीफाई ना होना एंड फाइनैंसिस का फ्रॉड फड़िया जाना दो अलग अलग चीज़ा ने। हुण इन्ना सौखा वीज़ा जिहड़ा हैगा डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूके इस टाइम है, तो फिर भी वह छोटे शॉर्टकट लभना ना, तो वह कितना कितने मरवाण वाला काम ही करनगे। तो फाइनैंसिस आर नंबर वन रीज़न जिदे विच तुहाडा वीज़ा रिजेक्ट और बैन आने के चांसिस 110% वध जाते हैं। सैकेंड इज वैन स्पाउस केस इज़ गोइंग, जिथे एक हसबेंड वाइफ जा रहे ने तो जिहड़ा फंड पार्ट हैगा वो हसबेंड के नाल नाल हसबेंड के फादर मदर नाल जॉइंट होंदा है जिहड़ा फंड पार्ट है। अंडरस्टैंड करो जिहड़ा तुहाडा फाइनैंशियल रिक्वायरमेंट हैगा यूके का, 28 दिन पुराना पैसा मेन एप्लीकेंट अपने नाम से दिखा सकता है, अपने माँ प्यो के नाम से दिखा सकता है, जॉइंट दिखा सकता है माँ प्यो के नाल, हसबेंड के नाल जॉइंट दिखा सकता है, बट अपने जिहड़े पैसे हैं वो कल्ले हसबेंड के नाम से नहीं दिखा सकता। हसबेंड के नाल नाल उन्होंने हसबेंड के फादर जिहड़े एप्लीकेंट के इनलॉज हो गए उन्होंने नाम नहीं दिखा सकता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इतने फीमेल नू मेन एप्लीकेंट बनाया क्योंकि दैट इज़ वट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट गो फॉर, इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑलसो। तो इनलॉज के फंडिंग होना स्पाउस के नाल इट इज़ वन ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ रिफ्यूजल, तो वह बंदा करता है जिहड़ा यूके की टेक्निकल इनफॉर्मेशन नहीं जानता, जिन्हों नहीं पता यूके फंड दिखाए किमें जाने हैं, उन्हें सिंपल फंड कह देना हाँ जी फैमिली मैंबर या इनलॉज दिखाओ दिखाओ। वेरअज यूके वास्ते ना एक चीज़ बड़ी फेमस है, वीज़ा इज़ वेरी सिंपल येट टेक्निकल, सिंपल होने के नाल नाल टेक्निकल बहुत है क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक फुल स्टॉप एक एक लाइन तुहाडे बैलेंस सर्टिफिकेट की लिखी हुई मायने रखती है कॉलेज यूनिवर्सिटी और अंबेसी वास्ते। तो दैट इज़ नंबर टू रीज़न। नंबर थ्री वेरी पॉपुलर रीज़न इंटरव्यू GSR जनरल स्टूडेंट रेगुलेशन। जब GSR अक्टूबर 2019 आया उस टाइम हड़कंप मच गया सीगा, इंटरव्यू लेना शुरू हो गया अंबेसी। प्लीज़ अंडरस्टैंड तुसी कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो इंटरव्यू लेना उन्होंने प्रोसैस का हिस्सा है। सम अंबेसीज वॉन्ट टू एक्सरसाइज दैट राइट, सम अंबेसीज लैट इट गो। इंटरव्यू दे विच उन्होंने सिर्फ आही मेक श्योर होना है जिहड़े कोर्स से तुसी जाने पे हो जिहड़ी यूनिवर्सिटी जाने पे हो यू आर वैल अवेयर ऑफ रूल्स रेगुलेशन ऑफ देयर कंट्री की पढ़ोगे, बिकॉज जे तुसी एक्चुअल जेन्युइन स्टूडेंट हैगे हो तुहानू उहदे कोर्स कंटेंट कोर्स कंपोनेंट एंड उहदा फ्यूचर आउटकम पता होना चाहिए विच एक्चुअली जेन्युइन स्टूडेंट आस, ना कि तुहाडा कोर्स एक एजेंट के कहते तुहाडे फ्रेंड दोस्त मित्र के कहते तुसी ओह यूनिवर्सिटी या कोर्स लिता है। इट इज़ क्लीयरली रिफ्लैक्टेड फ्रॉम तुहाडी गलबात जब तुसी करते हो इंटरव्यू दे विच कि वह एक्चुअली लॉजिकली पकड़िया होया चीज़ है या रटी हुई चीज़ है। रटी हुई चीज़ दे कदे वीज़ा नहीं आते क्योंकि वीज़ा ऑफिसर नूं पता लग जाता गल्लां दे विच, ये चार लाइना की मार है पंजवीं लाइन तो बोलनी होनी क्योंकि उन्हें समझ के नहीं किया होया। मैं हमेशा कहना थोनू दो ही चीज़ा ड्राइव कर दी फॉरन एजुकेशन वास्ते या किसी भी एजुकेशन वास्ते, पहली पैशन तुसी एक्चुअल उन्हें करना चाहते हो, सैकेंड डॉलर और पाउंड वो पढ़ाई पढ़ के थोड़ा नौकरी किस चीज़ की मिलनी है, तीसरा फैक्टर कोई नहीं है। पैशन है मैं जाना ही उत्थे है मैं पढ़ना ही है
वह गलों आ जाता है। तुहानू चुप कराना पएगा अपने आप में, जो एक्चुअल तुम पैशनेट है हो, जे तुम डॉलर वाले पास क्लीयर हो भी हाँ जी मेरी आ लगन तो बाद कोर्स खत्म होने तो बाद मैं 70,000 पाउंड की नौकरी मिलनी है, लख पाउंड दिन पहुँच जूँगा साल पांच साल तक, तुम क्लीयर हो ना तुहाडी गल्लां नूं तुहानू चुप कराना पऊगा वीज़ा ऑफिसर नूं। वेर जे रटिया होगा तुसी आप ही चार लाइनां चुप हो जाना, क्योंकि पंजवीं लाइन का पता ही नहीं, चार लाइनां रटाइया गई सीगियां किसी भी काउंसलर तो या इंटरव्यू प्रिपेटर तो या आप रटिया ने। सो ऑलवेज गो फॉर इंटरव्यू वैल प्रिपेयर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द होल कंसैप्ट ऑफ द वीज़ा एंड योर स्टूडेंट लाइफ बैक इन द UK, विच इज़ नंबर 3। नंबर 4 स्पेशली ए मैरिड केसिस वास्ते है, योर रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी एंड सबसटैशलिटी कि वह हजे भी थोड़ा रिलेशनशिप उस स्पीड नाल उस प्यार नाल चलता पै जब थोड़ा विह हो उस कंपेयर करके, ये गलों बातों नहीं कागजा के देना है। अपना पेपर वर्क इन्ना स्ट्रोंग रखो दैट हाई कमीशन शुड बिलीव दैट येस दिस इज़ मैरिज ऑफ इक्वलेंस, दोनों पार्टीज इक्वल पार्टिसिपेट कर दियां पईयां ने इस रिश्ते दे विच, किते ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो नहीं हैगी। UK दे विच स्पाउस का रिजेक्शन आना एंड मेन एप्लीकेंट का वीज़ा लगना ऑन बेसिस ऑफ सबसटैशल रिलेशनशिप कितना किते आ क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिंदा, एंड इट कैन बी ओनली बी एड्रेस्ड विद डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि UK दे विच हजे तक स्पाउस का इंटरव्यू आने की कोई प्रोविजन नहीं आई। इंटरव्यू हों मेन एप्लीकेंट का हों, प्लस documentation proves your authenticity of relationship. Number 5 reason जिहड़ा कि बड़ा ही पॉपुलर हैगा एंड जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा ख्याल रखने वाला हैगा स्पेशली विद दोज प्रोफाइल जिहड़े UK ऑलरेडी जा चुके ने, ओवरस्टे होए ने, या टीयर 4 दे टाइम ते 2009-10-11 दे विच वीज़े लवाए सी, पढ़े रहे एंड उस तो बाद वीज़ा का पूरा मान लिता, चाहे कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गया, इन्हों लिए रूल समझना बड़ा जरूरी है। चाहे वापस अपने आप आए हो वाइट पासपोर्ट उत्ते, आप अपने पैसों के आए हो डिफरेंट रेगुलेशन है, उन्होंने पैसों से आए हो फड़ के डिपोर्ट किए गए हो तो डिफरेंट रेगुलेशन है, 10 साल का बैन होने के बावजूद भी तुहाडा वीज़ा किवें लगना है एंड हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू जस्ट नीड अ टेक्निकल कंसल्टेंट। जो कागजा तो जी थोड़ी धारावं लगे हुई रिजैक्शन लैटर उत्ते देख के फाइल बना सके। अब 5 जिहड़े रीज़न ने तुहाडे वीज़ा रिजैक्शन दे, ये पंजों दे पंजों टैक्नीकल ने, ये टैक्नीकल इस करके है क्योंकि UK दा वीज़ा तुहाडा 10 to 15 कागजा ते लगदा है, उहदे विच भी कमियां निकल आन डॉक्यूमेंटेशन दे, उस तो बुरा तो हो ही की सकता है। तो जे तुसीं UK दा वीज़ा रिजैक्ट करा चुके हो या एप्लीकेशन लाना चाहते हो पूरे का पूरा केस देख के विद ऑल टैक्नीकल फ्लॉज नूं कवर करके, तो हुणे कॉल करो 9400-9400 ते अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ ESS दे किसी भी काउंसलर दे नाल इन एनी ऑफ द ऑफिसेस। गुड लक।